मेरा नाम साहिल नाम है। हम पिछले दो दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑफिशियल हमसे मिलने नहीं एमसीडी का। आप देख सकते हैं हर जगह गंदगी है। अभी मौसम अच्छा हो रहा है, अगर आधे घंटे एक घंटे की बारिश से आपको भी हालत दिख जाएगी कितना पानी भर जाता है यहाँ पे, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाएगा। हमारी डिमांड हमने लिखा था, उनको डिमांड कल से डीसीपी साहब को हम शाम से दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन कैजुअलिटीज उन्हें पता चले, जो जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है, एफआईआर की हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है। अभी जो कंडोलेंस लेटर इन्होंने निकाला गया रहा है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ यूआर सैड। उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो। दूसरी बात, कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी। हमने डिमांड में सब लिखा है कंपनसेशन मिलना चाहिए मिनिमम 1 करोड़ फॉर कैजुअलिटीज, जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए, राइट है। दूसरा हमने बोला कि सीवेज की दिक्कत यहाँ पे बहुत रहती है इलेक्ट्रिक वायर्स की, ना तो सीवेज का कोई काम कर रहा है एमसीडी, ना कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पे कोई काम हो रहा है। बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी है, मान लो आज यहाँ पे हादसा हुआ है, कल किसी और लाइब्रेरी में पाना भर जाए, बारिश तो होगी, मानसून सा रखा है, हर साल आता है, लोग पता नहीं हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है। ये वजीरा बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में, आगे जो चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है। जो लोकल उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, इसको कोई समाधान नहीं होगा जब तक एमसीडी से, तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझे, कोई इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो कोई बेनिफिट है हमारे यहाँ पे, इतना किराया ले रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, हमें फैसिलिटीज तो नहीं मिल रही ना यहाँ पे, ना इसके लिए कोई अकाउंटेबल हो रहा है, कोई आई नहीं राम से मिल ले।